नमस्कार दोस्तों, फिर से हम अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक नए वीडियो के साथ फिर से हम हाजिर हो गए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तेज़ी से खबर वायरल हो रही है कि क्या सीबीआई में भेजे जाएंगे आईपीएस विनय तिवारी। चलिए दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम इसकी सच्चाई के बारे में जानते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की जाँच करने मुंबई गए पटना सिटी SP विनय तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपने बारे में चल रहे खबर का खंडन किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रहा है कि पटना सिटी SP को अब CBI में भेजा जाएगा। फेसबुक और ट्विटर पर यह काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके बाद सोमवार को IPS विनय तिवारी ने खुद अपने फेसबुक पेज पर इस अफवाह बताते हुए इस खबर का खंडन किया है। अपने फेसबुक पोस्ट में इन्होंने लिखा है कि कुछ खबरें कल से प्रसारित हो रही है वो पूर्णतः गलत, भ्रामक और अफवाह है, कृपया उन पर ध्यान न दें। विनय तिवारी तब से काफ़ी अधिक चर्चे में आए जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में अपने बेटे की मौत के मामले में FIR दर्ज कराया, जिस सिलसिले में जाँच के लिए पटना पुलिस मुंबई गई। मुंबई में पटना पुलिस को स्थानीय पुलिस के द्वारा जाँच में उचित सहयोग नहीं मिलने के आरोप के बाद बिहार में तेज तर्रार IPS अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया। तब से विनय तिवारी काफ़ी सुर्खियों में थे। आपको विदित हो कि विनय तिवारी वर्तमान में पटना सिटी SP के पद पर कार्यरत है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उच्चतम न्यायालय ने भी इस घटना की निंदा की, जिसके बाद विनय तिवारी को क्वारंटीन से मुक्त किया गया। पटना पहुंचकर मीडिया को दिए गए बयान में उन्होंने कहा, मुझे नहीं बल्कि सुशांत के जाँच को क्वारंटीन किया गया। तो दोस्तों, आपको पता ही चल गया है कि सोशल मीडिया पर यह खबर बिल्कुल ही भ्रामक और तथ्य विहीन है। सो इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमें उचित मोटिवेशन देते रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।